गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। देन मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने देखा कि पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर बेस्ड है, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करती है। सेकेंड थिंग हमने इसमें पढ़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही हम सारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, दैट इज़ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। तो सेकेंड वन इज़ पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो हिंदी में से बोला जाता है बच्चों, लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात यानी कि दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या है बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर जब पीवी रेशियो की बात करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी संस्था के लाभ को दर्शाता है। आई एम नॉट सेइंग दिस, ये लाभ को नहीं दर्शाता है, लाभदायकता को, लाभ अर्जन क्षमता को बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, यानी कि कोई भी संस्था कितना लाभ अर्जित कर सकती है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, उस कैपेसिटी को इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हमारे डिसीजंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो किसी भी संस्था की कोई भी जो उत्पादन की यूनिट होती है, प्रोडक्शन की यूनिट होती है, उसकी लाभकारिता का माप है ये, इट इज़ द मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। फॉर्मूले की फॉर्म में मैं इसे कैसे कहूँगी, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 रेशियो है, प्रॉफिट पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ना। ऐसे हम परसेंटेज की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और अगर मैं आपसे बात कहूँ कंट्रीब्यूशन क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। आप चाहे तो इसे पर यूनिट ले लें, पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई, या फिर आप अमाउंट की फॉर्म में ले लें, सब में आंसर सेम ही आएगा। और अगर आपके पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो आप इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आपके पास सपोज वेरिएबल कॉस्ट नहीं है लेकिन आपके पास फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो अपॉन सेल्स इनटू 100। बच्चों आप देखिए, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैडम ने एक साथ तीन तीन फॉर्मूले लिखवा दिए, हमें तीनों लर्न करने हैं, नॉट लाइक दैट। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए, केवल एक ही फॉर्मूला है इसका, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 है ना। अब मैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में लिख दूं, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की फॉर्म में लिख दूं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, दोनों का मतलब एक ही है, एट लास्ट आना तो कंट्रीब्यूशन ही है। तो जो आपके पास डेटा क्वेश्चन में अवेलेबल हो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। तो पीवी रेशियो इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। आपका पीवी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, आपका मतलब आपकी संस्था का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पीवी रेशियो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है, और आप उतनी ही अच्छी और साउंड कंडीशन में हैं, ठीक है। और आपके फ्यूचरिस्टिक जो डिसीजंस हैं उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो दैट इज़ पीवी रेशियो। अब इस पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का एक तरीका और हो सकता है। कई बार क्या होता है बच्चों कि हमें क्वेश्चन में एक ही साल में सिक्स मंथ्स के दो अमाउंट दे दिए जाते हैं, या तो दो ड्यूरेशन का टाइम पीरियड की सेल दी होती है और दो टाइम पीरियड का ही हमें प्रॉफिट दिया हुआ होता है ना। ना हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है उस कंडीशन में, ना हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है, तो फिर हम क्या करें, क्योंकि सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट लेस भी कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो उस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला और लगाते हैं, इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट मार्क करके, डिफरेंस इन प्रॉफिट्स अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100। वो जो दो पीरियड हैं, इसमें आप ऊपर कंडीशन लिख लीजिए, इफ इसे मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, इसकी क्या कंडीशन है, व्हेन सेल्स वैल्यू एंड प्रॉफिट्स ऑफ टू पीरियड्स आर गिवन। अगर हमारे पास दो अवधियों के सेल्स वैल्यू हैं, विक्रय मूल्य हैं, विक्रय की राशि है और लाभ दिए गए हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
पीवी रेशियो इज इक्वल टू का डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100, उन दो अवधियों का लाभों का अंतर अपॉन विक्रय मूल्य का अंतर इंटू 100, तो हम इससे अपना पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आई होप आपको समझ आ गया। ये उसी कंडीशन में है जब हमारे पास दो पीरियड का हमें सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट दिया हो और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास नहीं है, तो फिर हम इससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद देखिए, एक बेसिक इक्वेशन तो मैंने आपको बोला ही था, जिसे हमने मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बोला था, कि सेल्स इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। ये तो एक इम्पॉर्टेंट सी इक्वेशन है ही, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है बच्चों, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। यानी कि आप अपने कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल्स अमाउंट वैल्यू में होगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल्स पर यूनिट होगा तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट आ जाएगा, है ना। तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ही आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट हैं। आप अगर क्वेश्चन में कहीं भी फंस जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे ये दिया हुआ है, इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूं, उसे कैसे कैलकुलेट करूं, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों को याद कीजिएगा, या आपके पेरेंट्स का मम्मी पापा का काम करेंगे और आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे और आप आंसर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू एफ प्लस पी, ठीक है। देन इसके बाद एक चीज और है इसमें, क्या है इसमें एक चीज और, जो हमारा पीवी रेशियो है ना, और ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के साथ मिलाकर 1 बनाता है, यानी कि 100%, यानी किसी भी चीज़ में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 1। यानी अगर आपके पास पीवी रेशियो है तो आप क्या करें, पीवी रेशियो को 1 में से माइनस कर देंगे, तो आपका सीधा सीधा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर मैं उसमें से पीवी रेशियो माइनस कर दूंगी ना सीधा सीधा, तो सीधा मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, आप इसको 1 भी कर सकते हैं या फिर आप इसको 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पीवी रेशियो 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है तो फिर 100 में से माइनस कर दीजिएगा, और अगर 100 से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया वहाँ तो उसे 1 में से माइनस कर दीजिए, बोथ आर सेम। तो 100 माइनस पीवी रेशियो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, है ना। ये किस पर होता है? सेल्स पर होता है। वैसे ये अंडरस्टूड सी बात है, फिर भी लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ऑफ सेल्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमेशा हमारे काम आएंगे। अब देखिए, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमें वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 15 रुपी पर यूनिट, है ना, 15 रुपी पर यूनिट, यानी प्रति इकाई मेरी विक्रय मूल्य परिवर्तनशील विक्रय लागत, है ना, कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपी है। मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये है। यानी कि मैं उस पर 15 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट का पे करती हूँ और 20 रुपये मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य, 20 में मैं उसे बेच देती हूँ, फाइन। मेरी फिक्स कॉस्ट है 54,000 रुपी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी जाती है क्वेश्चन में, है ना, फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में दी जाएगी, दैट इज़ 54,000 रुपी। और अब आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट पीवी रेशियो, आपका पीवी रेशियो कितना है। तो देखिए, पीवी रेशियो आपसे जब भी कोई भी चीज़ पूछी जाए, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आप उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ऑलवेज यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला फर्स्ट, जस्ट बिकॉज फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, हमेशा अलग से मार्क्स होते हैं, चाहे आप CA CS के एग्जाम्स ही क्यों ना दें, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, हमने पढ़ा था। और कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या करना होगा? इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100।
यही फॉर्मूला है मेरा, सिंपल सी बात थी, वही मैंने ले लिया। तो देखिए मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 20 रुपी, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 15 रुपी अपॉन 20 × 100, ठीक है, 5/20, 5 × 4 = 20, 4 × 25 = 25, यानी कि 25% मेरा क्या हो गया, दैट इज़ पीवी रेशो। पीवी रेशो कैलकुलेट हो गया सीधा सीधा, फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे इसमें, फिक्स कॉस्ट तो देगा वो क्वेश्चन में, लेकिन नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी। अब अगर आपसे सपोज इसमें कहा जाता है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चलता है आपका प्रति का ही। आप अगर लाभ आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अब फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास टोटल है, सेल्स कितनी है मेरी, बच्चों यहाँ पर यूनिट अमाउंट्स दिए हुए हैं मुझे, है ना, तो अब इसको पॉसिबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास यूनिट्स ही नहीं है। अगर मेरे पास यूनिट्स होती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मुझे टोटल दी हुई है, तब तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकती थी। अब देखिए अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख देती हूँ, ठीक है, पीवी रेशो 25% हो गया, तो सेलिंग प्राइस मेरी 20 है और इस पर पीवी रेशो मेरा 25% है ना, तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 5 रुपी का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो मेरे पास पहले से ही है ना, सेलिंग प्राइस में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी, तो मेरा कंट्रीब्यूशन 5 रुपी पहले ही आ गया था, बात तो वही हुई। लेकिन अब इस कंट्रीब्यूशन में मुझे फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अलग अलग करना है, तो मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स होनी चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सारी यूनिट्स पर है, तो मैं सिर्फ इतना ही कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसमें मेरे लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, है ना, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया था नीचे। तो इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना होता है। और इसी तरीके से अगर पीवी रेशियो के लिए सपोज़ कीजिए आपको 2 टाइम पीरियड की सेल्स दी हों और उनके प्रॉफिट दिए हुए हों, तो फिर आप क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए आपको सेल्स दिए है 1st 6 मंथ्स की और 2nd 6 मंथ्स की, सपोज़ कीजिए ऐसा दिया हुआ है और उस पर आपको प्रॉफिट भी दिया है ना, सपोज़ पहले क्वार्टर में आपका प्रॉफिट था 20,000, अगले में बढ़कर हो गया ये 40,000, और आपकी जो सेल्स हैं वो सेल्स पहले थी 1 लाख रुपी, अब बढ़कर हो गई 2 लाख रुपी। तो अब ऐसी कंडीशन में पीवी रेशियो के लिए मैं कहूँ कि भाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास है ही नहीं, ना मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इस डेटा के साथ, तो मेरे को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पीवी रेशियो के लिए, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन, ये चेंज का इंडिकेशन होता है, सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट में चेंज कितना हो गया, 40 - 20, और सेल्स में चेंज कितना हो गया, 2 लाख - 1 लाख रुपी इंटू 100। अब आप देख लीजिए कितना आया, 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, दैट इज 20%, 1 लाख का 20,000 सीधा सीधा 20% हो गया, तो मेरा पीवी रेशियो उस कंडीशन में कितना हो जाता है, 20%, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हमने और लिया, तो आई होप आपको कंट्रीब्यूशन समझ आ गया, आपको पीवी रेशियो समझ आया। अब पीवी रेशियो जो है उसके बेसिस पे बच्चों हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे आगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हमें जितना डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट तो कमाना ही है, तो हम कितनी सेलिंग प्राइस रखें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें पीवी रेशियो काम आएगा। तो पीवी रेशियो को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट होता है समविच्छेद बिंदु। अभी मैंने आपसे बात की थी समविच्छेद बिंदु मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें ना तो लाभ होती है ना हानि होती है, यानी कि मैंने जितना खर्च किया उतना पूरा का पूरा मुझे वापस मिल गया, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। इवन पॉइंट, ब्रेक इवन यानी ऐसी इवन जगह आ जाती है जहाँ पर कि मेरे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना, ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना तो कोई लॉस होता है, इसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में से बोला जाता है सम विच्छेद बिंदु। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट का, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जिस तरह से पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा ये चेक करती हैं कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट कितनी सेल्स पर मिलेगा। जब मुझे ये पता लग गया कि मुझे ये 100 यूनिट सेल कर देनी है इसकी, ठीक है, मेरी जब ये 100 यूनिट सेल हो जाएंगी ना, तो मुझे अपनी पूरी कॉस्टिंग वसूल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं जितने भी यूनिट सेल करूँगी उन पर मुझे केवल प्रॉफिट ही होना है, मेरी कॉस्टिंग कुछ नहीं आ रही है, मुझे प्रॉफिट होना है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना
आगे की फ्यूचर की स्ट्रेटजीज डिसाइड करूँगी, अपना फ्यूचर प्लान लेके चलूँगी और कितना मुझे प्रॉफिट अर्न करना है कम से कम, उस अकॉर्डिंग मैं अपना सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करूँगी और क्वांटिटी भी डिसाइड करूँगी, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट ऐसा करेगा। तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट की जो संकल्पना है, समविच्छेद बिंदु की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस किस तरह से है। इसकी एप्लीकेशन है, अगर आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट, आपने ये सोच लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, इस चीज़ से इतना लाभ कमाना है, मेरी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैं 5 लाख का लाभ कमा सकूं, तो फिर उसके लिए मुझे कितना सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होगा वो इसके बेसिस पे मैं कर सकती हूँ, मुझे कितनी यूनिट सेल करनी होगी वो मैं इसके बेसिस पे डिसाइड कर सकती हूँ, ठीक है। ग्राफ्स भी इसमें बनाए जाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स के थ्रू भी हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा और उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी बुक से जो इस पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं, पीवी रेशो के इनिशियल एग्जांपल्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं, शुरू के जो 5-7 एग्जांपल्स हैं आप उन्हें कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेक इवन पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।